अजय को नहीं पसंद आई थी काजल, लेकिन फिर कैसे हो गई इतना लव। बॉलीवुड एक्टर काजल और एक्टर अजय देवगन ने साल 1999 में शादी की थी और अब बॉलीवुड के स्टार कपल हैं और दो बच्चे हैं, बेटी निशा और बेटा युग है। साल 2003 में बेटी को जन्म देने के बाद काजल ने फिल्म फना, यूमी हम, माई नेम इज खान, वी आर फैमिली और दिलवाले जैसी कुछ फिल्में की। वैसे तो आपने काजल और अजय को कई रोमांटिक फिल्मों में रोमांस फरमाते हुए देखा होगा। प्यार तो होना ही थी, हलचल, इक्स और दिल क्या करे, ऐसी फिल्मों में इनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया गया था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अजय देवगन पहली बार काजल से मिले थे तो उन्हें काजल बिल्कुल पसंद नहीं आई थी, वही काजल को अजय बेहद पसंद आए थे। अजय को लगता था कि काजल और उनकी कभी नहीं बनेगी क्योंकि काजल और उनकी सोच काफी अलग थी। एक इंटरव्यू के दौरान अजय ने बताया था कि काजल से पहली मुलाकात के बाद उनकी उनसे दोबारा मुलाकात होने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्हें काजल बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी और उन्हें वह बेहद घमंडी और बातूनी लगी थी। अजय देवगन का अफेयर उस समय दूसरी एक्टर के साथ चल रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे अजय देवगन को उनसे प्यार होने लगा। यह बात अजय को भी समझ नहीं आई। अजय ने बताया था कि हमारा प्यार समय के साथ एक दूसरे के लिए बढ़ता ही चला गया। हमने कभी भी अपनी शादी की बात एक दूसरे से नहीं की थी, लेकिन हम दोनों ही जानते थे कि एक न एक दिन हमें यह करना ही होगा। वहीं काजल अपने करियर को लेकर बिल्कुल क्लियर थी कि वह शादी के बाद एक साल में एक ही फिल्म करेंगी। हालांकि शादी से पहले काजल 8 या 9 साल फिल्मों में काम कर चुकी हैं। ये थी एस एम न्यूज की रिपोर्ट।